नाश्ते में अगर आप पास्ता खाने के शौकीन है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी यमी सा पास्ता बनाना चाहते हैं मैक्रोनी बनाना चाहते हैं तो एक बार मेरी रेसिपी से आप बनाकर देखना पास्ता तो आपने बहुत खाया होगा पर मेरे तरीके से नहीं बनाया होगा एक बार बनाकर जरूर देखे सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो चलिए मिलकर बनाते हैं वेजिटेबल पास्ता इसके लिए सबसे पहले मैक्रोनी हम बॉइल करके रखेंगे तो एक लीटर के करीब पानी ले ले किसी भी कढ़ाई या बर्तन में और इसमें हम एक लीटर पानी डालकर इसमें दो चम्मच तेल और आधी चम्मच नमक डालकर पानी को उबलने तक छोड़ देंगे जब पानी में अच्छा उबाल आने लगेगा इसके बाद में हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे पास्ता आते हैं आपको जो भी पास्ता पसंद हो वो आप ले सकते हैं मैंने यहाँ पर मैक्रोनी का यूज किया है और दो कप के करीब मैक्रोनी ली है जो कि लगभग तीन से चार लोगों के लिए सफिशियंट है अब फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे हाई फ्लेम पर इसको हम सात से आठ मिनट तक बॉईल करेंगे सात से आठ मिनट में पास्ता बहुत अच्छे से बॉईल हो जाता है और इसको हमें लगभग एट्टी परसेंट कुक करना है पास्ता बॉईल होकर तैयार है तो चलिए इसको फटाफट से हम छान देते हैं और ये देखिए पास्ता हमारा बॉयल हो गया है तो इसको हम साइड में रख देंगे आप चाहे तो इसको छलनी में आ, से अलग करके थाली में भी फैला सकते हैं ताकि ये चिपके ना तो चलिए पास्ता हम फ्राई कर लेते हैं इसके लिए कोई भी कढ़ाई लेकर इसमें डालें दो टेबलस्पून के करीब ऑयल आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें और तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें एक टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे फ्लेम हमारी मीडियम हाई है और अब इसमें जाएगा अदरक तो दो इंच अदरक का टुकड़ा हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया था या फिर आप काट ले कोई भी काम कर सकते हैं तो इसमें आप डाल दें तो अदरक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है साथ इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे अब हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे अगर बच्चे भी खाते हैं बच्चों को भी पास्ता बहुत पसंद आता है तो थोड़ा कम ही रखें दो से तीन हरी मिर्ची आप ऐड करें और अपने लिए तो बाद में आप लाल मिर्च का पाउडर डाल ही सकते हैं यहां पर एक प्याज डालिए मैंने एक बड़े साइज की प्याज को बारीक काट कर डाल दें और इसको लगातार चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे तो बहुत ज्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है बस हल्का सा कलर देना है अब अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो अगर कोई सब्जी नहीं भी है ना तो मॉर्निंग में जैसे बहुत जल्दी में होते हैं तो आप सिर्फ टमाटर प्याज डालकर भी ये पास्ता बना सकते हो तो प्याज को हल्का सा बस किया है हमने ब्राउन और इसके बाद में डाल दिए दो टमाटर दो मीडियम साइज के टमाटर डाले हैं बारीक बारीक बिल्कुल काटकर जितना छोटा आप काटकर डालोगे ना उतनी जल्दी गलेगा और आपका काम जल्दी होगा तो इसको हम ओपन में ही पकाएंगे साथ ही हम इसमें एक चम्मच के करीब नमक ऐड कर देते हैं तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हो जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखना और जब आपको लगे कि कम है तो बाद में तो आप बढ़ा ही सकते हो तो अक्सर से बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बच्चे भी ना चाहते हैं कि पास्ता वगैरह उनको मिले और इस तरीके से अगर आप पास्ता बनाओगे ना तो बच्चे देखिए सब्जी भी खाएंगे पास्ता भी जाएगा उनके अंदर और बहुत ज्यादा पसंद करेंगे तो अच्छे से मिला लेंगे और हाई फ्लेम पर थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दें और इस तरह से स्पैचुला से मैश करते हुए टमाटर को फटाफट से गला लें चाहे तो दो मिनट के लिए ढक भी सकते हैं है, अगर टाइम हो तो धीमी आंच करके और अब इसमें छोटी छोटी सब्जियां काटकर डाल दी जैसे मैंने आधी गाजर डाली है शिमला मिर्च डाल रही हूं मैं हरी वाली आपके पास लाल पीली शिमला मिर्च है तो वो भी डाल देना आप इसमें ब्रोकली डाल सकते हो मशरूम डाल सकते हो मैंने कॉर्न ऐड किया है तो सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो इसको मिक्स कर लेना और यहाँ पर सब्जियों को हमने बहुत छोटा छोटा काटा था तो इनको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और थोड़ी सी क्रंची रहती है ना सब्जियां तभी पास्ता खाने में मजा आता है तो इस तरह से बस एक मिनट तक इसको इसी तरह से भून लेना धीरे धीरे क्या होगा सब्जियां अपने आप ही गलने लगेंगी और अभी हम इसे पास्ता भी ऐड करेंगे तो पास्ता डालने के बाद भी इसको हम ढककर दो मिनट पकाएंगे तब भी जो सब्जियां हैं थोड़ी सी गल जाती हैं अब देखिए ये जो हमने मैक्रोनी उबालकर रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मैक्रोनी की जगह आप कोई भी पास्ता ले सकते हो जो भी आप डालना चाहो आपके ऊपर है तो अब इसमें सॉसेस वगैरह हम ऐड कर देते हैं नमक तो हमने पहले ही ऐड कर दिया था तो सबसे पहले जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स तो मैंने आधी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाले हैं एक चम्मच इसमें पिज्जा सीजनिंग डालेंगे या फिर मिक्सड हर्ब्स डाल सकते हो आप दो टेबल स्पून टोमेटो कैचअप और एक से दो टेबल स्पून के करीब हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे हरी वाली लाल वाली जो भी डालना चाहो और एक टेबल स्पून आप इसमें सोया सॉस ऐड कर देना सोया सॉस डालनी है आपको और बस सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है एक बार आप सॉसेज और नमक वगैरह टेस्ट कर लेना अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है वरना आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हो अच्छे से मिक्स कर लेना फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि अच्छे से हमारा पास्ता गर्म नहीं हो जाता जैसे ही हमारा पास्ता अच्छे से आपको लगे गर्म हो गया है बस गैस को ऑफ कर देना आप और इसको फाइनली आप सर्व कर सकते हो पर सर्व करने से पहले आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी ना लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो टोटली आपके ऊपर है क्योंकि देखिये अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें स्पाइसीज थोड़े कम ही रखना क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं और अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा बढ़ा देना डाल लेना और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जरूर ऐड करना तो इन दोनों चीजों से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है पास्ता का यहां पर देखिए बातों बातों में जो हमारा पास्ता है ये भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इस पर डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और साथ ही हल्का सा ये देखिए स्प्रिंकल कर रही हूं मैं काली मिर्च का पाउडर तो ये बहुत ही अच्छी दोनों चीजें किक देंगी हमारे पास्ता को और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी चटपटा बना देंगी तो ये हमारा स्पाइसी पास्ता बनकर रेडी हो जाएगा जो कि बड़ों को भी बहुत पसंद आता है तो कैसी लगी पास्ता की रेसिपी लिखकर जरूर बताना बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करना कैसा लगा बाय बाय